कंडेंस मिल्क विथ 3 इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैंने 1 कप नेस्ले का एवरी डे डेरी वाइटनर ली हूँ। ये 1 कप है, मेजरिंग कप 1 कप। तो ये बर्तन उन्होंने गैस पे नहीं रखे, पहले इसे ऐसी सारे चीज़ें मिक्स करेंगे। ये 1 कप मिल्क पाउडर है, तो उसका हाफ हम शुगर लेंगे, शुगर भी हम डाल देंगे ऐसी, और ये हाफ कप मेजरिंग मिल्क लेंगे। और इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स ना रहे मिल्क पाउडर के अंदर। बस इसे अच्छे से मिलाए ताकि शक्कर भी इसमें मिक्स हो जाए। जब तक का ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, हमें इसे गैस पर नहीं रखना है, हमें इसे इसी तरह मिलाना है, मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हो ये मिक्स हो चुका है और इसमें लम्स भी नहीं दिख रहे। अभी मैं 2 मिनट तक और इसे मिक्स कर लेती हूँ और अब हम इसे गैस पर रखने वाले हैं। और गैस पर रखकर भी हमें इसे 3 से 4 मिनट ही पकाना है, जब तक कि हमारी शुगर मेल्ट ना हो जाए। हमें बिल्कुल भी इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो चलिए इसे पका लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें फुल नहीं रखनी है, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे इसे मिक्स करते हुए ही पकाना है, जब तक कि शुगर मेल्ट नहीं होती। गैस फास्ट नहीं रखना है, लो टू मीडियम गैस पर ही पकाना है। कंटिन्यूसली स्टर करते हुए ही बनाना है इसे। ये देख रहे हो आप, गाढ़ा भी है ये। हमें वैसे मेहनत करना ही नहीं है कि हमें दूध को पका कर रिड्यूस करना है और फिर बनाना है, एकदम सिंपल एंड ईजी है। इंग्रेडिएंट्स भी कम है और आसान तरीके से बिना मेहनत के 10 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है ये, और बिल्कुल बाहर जैसा। इसे आप आराम से 1 से 1.5 महीना फ्रिज में कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये हमारी शुगर मेल्ट हो गई है और मिक्स हो चुकी है इसके अंदर अच्छे से। अभी आप लोगों को ये पतला दिख रहा होगा, लेकिन ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल बाहर जैसा गाढ़ा हो जाएगा। मैं गैस बंद करूँगी। और अगर आपके पास घर में मेजरिंग कप ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में आप अपने रेगुलर जो चाय का कप होता है उसका भी मेजरमेंट लोगे तो भी उससे भी इनफ है, बन जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये मेरा गैस बंद हो चुका है और आप देख सकते हो शुगर बिल्कुल मेल्ट हो गई है अच्छे से। अब हम इसे ठंडा होने को रख देंगे, ठंडा होने के बाद आपको बताते हैं कि कितना गाढ़ा होता है। तो देखिए मैं अभी इसे खाली कर रही हूँ एक कटोरे के अंदर, एक बोल में इसे मैंने खाली कर दिया है। ठंडा होने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। एक बोल में खाली कर लिए, अभी इतना फिलहाल ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी इसका कलर, टेक्सचर और थिकनेस आप देखो। मैंने टेस्ट भी किया, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाहर जैसा है जो हम मिल्क मेड लेते हैं या मिठाई मेड लेते हैं अमूल का, बिल्कुल वैसा ही है। प्लीज़ आप इसे घर में बनाइए, ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनाई है। और इसे स्टोर कर भी रख सकते, ख़राब नहीं होगा ये। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
तो आप लोग ऐसा किसी भी कंटेनर में ऐसे 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, ये खराब नहीं होगा।